के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी, क्या नाम है तुम्हारा? शांति, 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 शांति। वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने, शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर? मुझे अपने भाइयों से मिलना। हेलो नमस्कार सर, मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय, इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारे सिम पे रिचार्ज खत्म हो गए। तन्ना के हमसे बात ना करना, तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम। तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे, अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो, इसी पर रिचार्ज कराओ ना। अजय अफीम की डेली सूंगली तूने, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों, ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपो से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना दे। अरे तो इसका मतलब यह है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं, हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है, मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तो कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ। अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है, मतलब तुम सबके साथ ये ऐसी करते हो का? अरे नहीं, हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार, हमने 7,000 रुपए दे के डॉक्टर को उसकी याददाश्त मिटवा दी। अरे तुमको जिंदगी में माफ नहीं करेगा। हेलो सर, मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, एक एक दिन गिनने भाड़ू तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये कॉल ना क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी CD छपवा दिए, CD। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा, क्यों फोन में डाल रखी तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है ना, तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता है? अजय हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पू है तुझे बताऊंगा, और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती है तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36-36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दद्दा हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है।